हाय गाइस, वेलकम न्यू अगेन वीडियो। आज हम बताएंगे कि आपका डिश टीवी का रिमोट नहीं वर्क कर रहा है तो आप घर बैठे कैसे बना सकते हैं। आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं शुरू। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, पहले आपको दिखा देते हैं मेरा रिमोट वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे कोई भी हम बटन प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो आप घर बैठे इसे कैसे बना सकते हैं, तो आपको हम कोड देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी कोड मिल जाएगा। अभी देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले जीरो और ओके पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर जीरो और ओके पर क्लिक करेंगे और आपको सेंटर सेटअप बॉक्स के सेंटर में ही रखना है। यहाँ पर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको 5 मिनट रुकना पड़ेगा, ये लाइट ऑटोमेटिक 5 टाइम ऑटोमेटिक ब्लिंक करेगा। तो आपको 5 मिनट यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो हम 5 मिनट यहाँ पर रुक जाते हैं, ऑटोमेटिक लाइट ब्लिंक करने लगेगा तो आपका रिमोट रीसेट हो जाएगा, तो यहाँ पर वर्क करना ऑन हो जाएगा। तो हम 5 मिनट यहाँ रुक जाते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं 5 मिनट के बाद मेरा लाइट ब्लिंक किया है 5 टाइम्स। तो उसके बाद मेरा रिमोट रीसेट हो चुका है। आप सभी लोग को दिखाते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, कोई भी हम बटन प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ मेरा लाइट ब्लिंक करने लगा है। यहाँ पे कोई भी हम टीवी पर शो करना चाह रहे हैं तो मेरा नेक्स्ट एंड बैक होना स्टार्ट हो चुका है। कोई भी मेरा रिमोट में वर्क करना स्टार्ट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।